हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यस बैंक की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी बैटल बिटवीन कपूर एंड कपूर। जिसने भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखे, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को स्टार्ट करें। फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। कैसे 80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाला बैंक एक साल में 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल पर आ गया। सबसे पहले हमें समझना होगा बैंक प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, बैंक दो तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, इंटरेस्ट और फीस के जरिए। इंटरेस्ट का मतलब है दोस्तों कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना और उनसे इंटरेस्ट लेना उस लोन पर, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। ऐसे बहुत से लोन बैंक्स अपने कस्टमर को लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और सेकंड तरीका है फीस चार्ज करना। सभी बैंक्स ट्रांजैक्शन फीस, सर्विस फीस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है उन सभी पर वह अपने कस्टमर से फीस चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट के थ्रू बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? जब भी हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमें उस डिपॉजिट पर एनुअली इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए वो हमें 5% इंटरेस्ट देता है और आपके डिपॉजिट किए गए पैसे को बैंक आगे किसी थर्ड पार्टी को लोन पर दे देता है और बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है 8%। इसके बाद आपको 5% इंटरेस्ट देने के बाद बैंक के पास 3% इंटरेस्ट बच जाता है जो कि उसका प्रॉफिट होता है। ऐसा करके बैंक प्रॉफिट कमाते हैं। अब बात करते हैं यस बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे बैंक की इतनी बुरी हालत हो गई। ये सब स्टार्ट हुआ जब आरबीआई ने राणा कपूर, जो यस बैंक के सीईओ हुआ करते थे, उनको उनके पद से हटा दिया। आरबीआई को यस बैंक की बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी मिली। बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये फैसला लिया और यस बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में यस बैंक को बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस के पीछे रीजन था ग्रोस एनपीए का बढ़ना। एनपीए होते दोस्तों जब कोई लोन लेने वाली पार्टी लोन रिटर्न नहीं दे पाती तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यस बैंक का जो मेन फोकस था दोस्तों वो था बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन देना। और जिन कंपनीज को यस बैंक ने लोन दिया हुआ था वो या तो लॉस में चल रही थी या वो बंद हो चुकी थी। इनमें से कुछ बड़े नाम है एसएल ग्रुप, ADAG ग्रुप, DHFL और इंडियाबुल्स हाउसिंग। ये चारों कंपनी लॉस में चल रही है। इनमें से इंडियाबुल्स ग्रुप में करीब 27,000 करोड़ रुपए बैंकों के फंसे हुए हैं। अगर इंडियाबुल्स को डिफॉल्ट किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यस बैंक पर ही पड़ेगा। इन्हीं कारणों की वजह से यस बैंक का मार्केट कैपिटल अगस्त 2018 से नीचे गिरता जा रहा है, जहां बैंक का मार्केट कैपिटल अगस्त 2018 में 80,000 करोड़ के करीब हुआ करता था, वो कम होकर अगस्त 2019 में सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास रह गया है। अगस्त 2018 में यस बैंक का शेयर 400 रुपए के आसपास हुआ करता था और उसके ठीक एक साल बाद अगस्त 2019 में यस बैंक का शेयर का प्राइस 40 रुपए से भी नीचे चला गया था। इसी रीजन की वजह से दोस्तों यस बैंक का मार्केट कैपिटल 80,000 करोड़ से 8,000 करोड़ पर आ गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।